अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF ने खाद्यान्न और ईंधन निर्यात पर प्रतिबंध को लेकर चिंता जताई है, लेकिन साथ में गेहूं निर्यात प्रतिबंध में ढील देने को लेकर भारत सरकार का आभार भी जताया है। साथ ही कहा है कि भारत के फैसले से गेहूं की वैश्विक कीमतें घट जाएंगी। वहीं IMF के मुताबिक यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से लगभग 30 देशों ने खाद्यान्न और ईंधन सहित अन्य जरूरी वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाए हैं। इससे वैश्विक स्तर पर महंगाई बढ़ने और बाजार के अस्थिर होने का जोखिम है। वहीं IMF ने गेहूं निर्यात पर घोषित प्रतिबंध में ढील और कुछ माल को भेजने की अनुमति देने पर भारत सरकार के फैसले का स्वागत किया है। वहीं बता दें कि बृहस्पतिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में IMF प्रवक्ता ने कहा, हम खाद्य वस्तुओं, ईंधन और उर्वरक निर्यात पर प्रतिबंध लगाने जैसे फैसलों से बहुत चिंतित हैं। ये वैश्विक स्तर पर मूल्य वृद्धि व बाजार में अस्थिरता का कारण बन सकते हैं, इसलिए ये मुद्दा भारत से कहीं आगे है। एक सवाल पर IMF प्रवक्ता ने कहा, हमारी निगरानी से संकेत मिलता है कि यूक्रेन युद्ध के बाद से 30 देशों ने खाद्यान्न और ईंधन सहित अन्य जरूरी सामान के निर्यात में कटौती की है। ये काफ़ी चिंतित करने वाला है। अगर भारत की बात करें तो हर हाल में भारत गेहूं निर्यात पर घोषित मूल्य प्रतिबंध में ढील और कुछ माल को भेजने की इजाज़त देने के फैसले का स्वागत करते हैं। हम न केवल भारत बल्कि उन सभी देशों से प्रतिबंधों में और ढील देने की उम्मीद करते हैं जिन्होंने इन्हें लागू किया है। दरअसल बीते महीने भीषण गर्मी की वजह से उत्पादन घटने की आशंका के चलते बढ़ती कीमतों पर काबू पाने के लिए सरकार ने गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी। वहीं संयुक्त राष्ट्र खाद्य एजेंसी का कहना है कि भारत द्वारा गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध लगाने और यूक्रेन में रूसी आक्रमण के बाद उत्पादन कम होने की आशंकाओं के चलते अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं की कीमतों में उछाल आया है। वहीं भारत ने कीमतों को काबू में रखने के लिए भले ही गेहूं निर्यात पर पाबंदी लगा दी है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र की खाद्य एजेंसी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने पाबंदियों के बावजूद भारत से 70 लाख टन गेहूं के निर्यात की उम्मीद जताई है। ये पिछले 5 वर्षों के औसतन निर्यात से ज़्यादा होगा। वहीं बता दें कि एक रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक गेहूं बाजार 2022-23 का सत्र बहुत अधिक अनिश्चितता के बीच शुरू हो रहा है। यूक्रेन में जारी लड़ाई, कई देशों में कारोबार नीतियों में बदलाव और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऊंची कीमतों से गेहूं बाजार के नज़रिए का पता चलेगा। अनुमान है कि वैश्विक स्तर पर गेहूँ का उत्पादन 2021 की तुलना में 2022 में घट सकता है। ये 0.8% घटकर 77.1 करोड़ टन रह सकता है। वहीं गेहूं के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमतें 2008 के बाद अब इतनी बड़ी हैं, इसकी वजह से कुछ प्रमुख निर्यातक देशों में उपज की कमी से वैश्विक स्तर पर उपलब्धता कम होना, यूक्रेन और भारत समेत गेहूं निर्यात नहीं होना, इसके अलावा 2022-23 में आपूर्ति संबंधी चिंताओं के कारण भी दबाव बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।